होगी। सज्जी अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा तो आज जो है ना, मैंने भी लोग बस बच्चों के आते ही स्टार्ट किया है, क्योंकि जो बच्चों को भेज के ना फिर उसके बाद तो बस सफाई वगैरह जो होती है वो थी, तो वो मैंने वीडियो बनाई तो थी, मैंने कहा लंबा हो जाता है व्लॉग, उस पार्ट को मैंने बीच से कट करके बस बच्चों के आने से स्टार्ट किया है। तो अभी यहाँ पे बच्चे मेरे स्कूल से आ चुके हैं और उसके बाद फिर हमने जो है ना उनको खाना वाना खिलाया, कबाब चढ़ा दिए थे मैंने सुबह में ही, मसाला तैयार हो गया था और ऊपर किचन से हमने आज चने की दाल बनाई थी खाने में, साथ में सलाद काटी, चपातियाँ भी बनाई और कुछ साग के सालन के साथ अचार निकाल लिया। तो सारे बच्चे और मैं करंट मरसी अब को धोनी है ना, कल अब को लग गया है फिर लगा अब रात धरी आ में से नहीं केज मत रात धरी आ में से न तो क्यों मिलता पे यार करंट मारण से मैं को ना मारी में बता छोड़ मार छोड़ सही सफा मां करंट कर। अच्छा ये पता नहीं क्या चीज़ तोड़ के आ गया था, सबको करंट लगाता फिर रहा, कहते अम्मी आप रहती हैं आप लगाने दे, और मैं बहुत डरती हूँ, मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगाना, यहाँ पे चीख भी रही थी मैं। अरे उसमें से तो गिर जाएगी, उसकी सुराख इसमें डालती जाऊंगी ना, बहुत तभी तो रह लो। अच्छा उस दिन साग सबको बहुत पसंद आया था ना, तो हमने फिर से जो है ना ये पल्ली लेकर आ गए थे, ये सो जो इसको है ना छीलना साफ करना बहुत मुश्किल है, और ये बिल्कुल फिर साग की तरह बनती है ना, इतना कोई टाइम लगा, यहाँ पे हमारी कमर दुख रही थी और उसके बाद ये सारा जो है ना कचरा है। पालक हमने थोड़ी सी मिक्स की थी क्योंकि बहुत ये कम हो जाती है ना बाद में जब इसको साफ करो, तो सारा कचरा ही निकल आता है, फिर ये पल्ली जो है ना इतनी सी बचती है जो हमने धोते टाइम दिखाई, और उसके बाद ये हालात हैं, इतना कचरा हो जाता है और इतनी कोई इसमें मेहनत है, इसमें फ्री टाइम आपको बहुत चाहिए, तो फिर जो दोपहर का टाइम मिलता है ना खाना वाना खा के उस टाइम फिर हमने ये कर लिया था काम। आवाज़ें दे रहा है सारे ही आवाज़ें दे रहे हैं इनकी छत पे बैठा है, तो खूबसूरत लगते हैं ये देखो शादी, ये देखो ये वाले सर्दियों में अच्छे हो जाते हैं। शाम का जो व्यू होता है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं कहती हूँ यहाँ पे इतने सारे फूल हो मेरे, और जो है ना मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट करूँ, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करूँ। अच्छा ये सेम ऐसे ही बनती है जैसे साग बनाया था, इस पर भी बहुत मेहनत है, एक तो साफ़ करने में बहुत मेहनत है, फिर उसके बाद जो है ना इस पर हम फिर खड़े ही रहे थे, चम्मच हिलाते रहो जब तक इसका उबाल नहीं मर जाता, बिल्कुल जैसे उबाल ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फिर हम इसको ढक्कन लगा के नीचे चले जाते हैं, फिर हम नीचे के काम करके आ जाते हैं, जब खाने का टाइम होता है तो आके जो है ना इसको बना लेते हैं हम।
अच्छा बच्चों के एक तो इतने नखरे होते हैं, बच्चों को सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। अब चिकन बंदा कितनी खाए, चिकन से बहुत तंग है। ये सब्जी जो है ना ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी भी होती है सेहत के लिए, और हमारे घर में बड़ों को सबको बहुत पसंद है। चावल की रोटी बनाते हैं उसके साथ खा लेते हैं हम। बच्चों को चावल की रोटी तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर वो कहते हैं चलो हमें रुखी दे दो, हम ये सब्जी बहुत कम खाते हैं। कहते अब चिकन के साथ तो खा नहीं सकते ये सब्जी हम, तो चावल की रोटी इसी के साथ अच्छी लगती है। और फिर हमारा कबाब का मसाला भी तैयार हो चुका था, तो साथ में हमने जो है ना फ़िश भी मैं लेकर आई थी पल्ली के साथ। मैंने कहा फ़िश भी फ्राई कर लेंगे, जब तक पल्ली बॉयल हो रही है तो हम अभी यहाँ पे ना कबाब बना रहे हैं ना। अच्छा मैंने कबाब की एक चीज़ ऑर्डर की थी, कबाब बनाने वाला ये एक पता नहीं इनको क्या कहते हैं, लेकिन मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। इससे इतनी आसानी से टिक्कियाँ बन जाती हैं, गोल गोल सारी एक जैसी ना, वैसे टेढ़ी मेढ़ी छोटी मोटी हो जाती है ना, इससे बहुत आसानी होगी। आप इसमें डालते जाएं आपकी एक ही शेप में बनेंगी, और बहुत ही जल्दी बन गई थी। वैसे देखो टाइम भी लगता है, ये बहुत अच्छी हैं और बहुत ही सस्ती मिली थी, 250 रुपये की मिली हैं ये, मतलब डिलीवरी के साथ हमारे 250 रुपये लगे हैं इस पर ना, तो बहुत अच्छी हैं ये। आप लोग भी दराज से मंगा लें। और यहाँ पर हमारी पल्ली हो चुकी है तैयार, अब जो है ना हम इसका मसाला बना लेंगे। अच्छा औरतों के भी कितने काम होते हैं ना, अगर औरतें करें मेहनत वाले सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी हमारा इतने काम बढ़ जाते हैं कि रात में इतने थक हार के सोते हैं हम। अच्छा मेरे किचन की सफाई को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत काम हुआ है यहाँ पे। अभी चावलों की रोटी आटा गूंदा है, और जो है साथ में कबाब का मसाला बनाया था, फिर फिश फ्राई, तो जो है ना किचन का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो अब ये ना कीजिएगा कि ये नज़र आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुबह से लेकर किचन इस्तेमाल हो रही है, तो जो है ना इसको साफ़ करती हूँ, फिर भी आटा वाटा गूंदो ना तो कहीं ना कहीं से फिर नज़र आता है वीडियो में साफ चीज़ें। आटा गूंदने से ना बहुत किचन गंदा होता है, वैसे कितना भी काम कर लो। और फिर पल्ली के भी पत्ते छोटे थे ना, वो भी बहुत गिरे थे। अच्छा मक्कई की रोटी भी ना बहुत अच्छी होती है, हम वो नहीं बनाई हमने इस बार, हम सोच रहे हैं कि वो वाला आटा मंगाएं उसकी भी ट्राई करें ना, उसकी भी कहते हैं बहुत अच्छी लगती है। हम गांव में तो खाते थे, यहाँ पे हमने कभी जो है ना मक्कई की रोटी नहीं बनाई। अच्छा तो सबको खाना खिला के भेज दिया, और यहाँ पे अभी मैं और मेरी बहन और मेरा एक बेटा है वो खाना खा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा।